दुर्ग की कुम्हारी से बड़ी खबर सामने आ रही है। यहाँ के कपसुदा गांव में किसी ने पति पत्नी और दो बच्चों की निर्मम हत्या कर दी। सूचना मिलते ही एसपी दुर्ग डॉक्टर अभिषेक पल्लव और पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। प्रारंभिक जांच में संदेह है कि हत्या एक ही व्यक्ति ने की है। जिस कुल्हाड़ी से वार किया गया है वह बरामद भी कर ली गई है। जानकारी के मुताबिक कुम्हारी थाने से महज 6 किलोमीटर दूर कपसुदा गांव में पूनाराम टंडन की बाड़ी है। वहां ओडिशा के बलांगीर से आकर 34 वर्षीय भोलानाथ यादव अपने परिवार सहित रहता था। भोला की पत्नी नैना और उसके 7 और 12 साल के दो बच्चे मुक्ता प्रमोद भी साथ ही रहते थे। ये परिवार बाड़ी में बने मकान में रहता था। वहीं भोला और उसकी पत्नी दोनों यहाँ खेती बाड़ी करते थे। गुरुवार सुबह जब कुछ ग्रामीण इस ओर पहुंचे तो शव मकान के बाहर पड़ा हुआ था। अंदर उसकी पत्नी और दोनों बच्चों की लाश थी। सभी के सिर और शरीर पर कुल्हाड़ी से वार के निशान थे। बुधवार गुरुवार देर रात को अज्ञात व्यक्तियों ने वहां पहुंचकर कुल्हाड़ी से चारों के सिर में वार किया। इससे चारों की मौके पर ही मौत हो गई। सुबह जब लोगों ने देखा तो पूरे गांव में दहशत फैल गई। वहीं पुलिस मामले की जाँच कर रही है। दुर्गा भाई जाग के आ रही है।